हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि मुन्नासर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है, आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2017 जो कि बोर्ड में आया हुआ है WB का, उसका शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले तो हम इस शॉर्ट क्वेश्चन का हम लोग क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ वो देख लेते हैं। टोटल जो 10 क्वेश्चंस आता है, इससे पहले भी मैं 2020 का सॉल्व डाल चुका हूँ, आज हम 2017 का पेपर का बोर्ड का सॉल्व करेंगे। ये 2017 का पेपर है, 2017 का पेपर है, अब इसका हम लोग सॉल्व देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है दिया हुआ, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। नाउ लेट बी माइनस ए नॉट इक्वल टू 5, अगर ऐसा हुआ तो हम जानते हैं कोई एक जो एलिमेंट जरूर होगा इसका। लेट वन एलिमेंट एट लीस्ट प्रेजेंट, दैट इज एक्स। नाउ एक्स बिलोंग टू बी माइनस ए, this implies to x belong to b and x not belong to a, this implies to x belong to a and x belong to b, but this is not possible। कोई एलिमेंट a में हो और x एलिमेंट a में हो और s में ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई b माइनस a नॉट इक्वल टू 5, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। दैट मीन्स b माइनस a इज इक्वल टू 5 होगा, इसका आंसर b माइनस a इज इक्वल टू 5, मतलब ऑप्शन c होगा, यानी ऑप्शन c होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, दिया हुआ 3 + ω + 3 ω² √4, क्या किए ओमेगा को तोड़ दिए, 3 ω - 2 ω लिख दिए। दैट्स वाई कॉमन हो गए 1 + ω + ω², हम लोग को पता है 1 + ω + ω² = 0 होता है, दैट्स वाई वो 0 हो गया, तो 16 ω4। नाउ ω4 को तोड़ दिए ω³ × ω³ = 1 होता है, दैट्स वाई 16 ω। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जैसा कि दिया हुआ है इसका सम डिफरेंस ऑफ टू रूट्स निकालना था, तो डी का वैल्यू निकाल दे फिर स्क्वायर में 32। हम लोग जानते हैं डिफरेंस ऑफ टू रूट्स होता है रूट डी बाई ए, कोटिंग कर दिए 2 = √ स्क्वायरिंग कर दिए, डी का वैल्यू आ गया +-6, दिस इज ऑप्शन सी। हाँ परमोटेशन कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चन है, 16 CR = 16 C 2R + 1, हम लोग को पता है 16 NCP + NCQ हो तो P + Q = N होता है, स्पोटिंग करते तो 3R = 15, R = 5 आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इक्वेशन पैराबोला, एक्स पैराबोला दिया हुआ था x² - 4x - 8y + 12, इसको हम लोग सॉल्व कर दिए +4 कर दिए तो x² का होल स्क्वायर हो गया और ये 8y + 1 हो गया। वो जानते हैं x² = 4ax फॉर्म में लगा हुआ है, दैट मीन पॉजिटिव वाई एक्सिस का ग्राफ है ये, दैट्स 4a = 8 और a = 2 आ गया, तो डायरेक्शंस के लिए होता है y = -a, दैट मीन्स y = -a, तो वाई का वैल्यू y - 1 है, दैट्स पुटिंग कर दे y = -1, दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट ए बी सी ट्राइंगल है जिसका बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 5 2 8 और सी का कोऑर्डिनेट दिया 2 - 3, एक नहीं दिया हुआ था, लेट कोऑर्डिनेट कोई लेट कर लिए xyz, सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता हुआ x1 + x2 + 3 y1 + y2 / 3 और z1 + z2 / 3, ये 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, कोटिंग कर दिए तो ये वैल्यू आ गया, इसके बराबर आ गया 3, तो वहाँ से x1 = 2 आ गया और इसके बराबर -1 था तो y = 2 आ गया और z1 = -3 आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ना। उसके बाद सेवन क्वेश्चन से लिमिट e^(x - e^-x)/x लिमिट एक्सटेंड टू 0, -1 + 1 कर दिया ऊपर में तो e^(x1/x) कर दिए, माइनस कॉमन ले दिए, एंड लिमिट एक्सटेंड टू 0 e^(-x - 1/-x), नहीं क्योंकि e^(-x) है, दैट मीन -x लिए एक बगल में -1 × कर दिए, दैट्स व्हाई e^ हमको पता है e^(-x/x) का वैल्यू 1 होता है, 1 पुटिंग कर दिए 1 - 1, दैट मीन 1 + 1 हो गया, 2 हो गया, तो ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जो कि डेरिवेटिव से,
वाई इक्वल टू कॉस कोट एक्स बाई टू, क्योंकि आगे 1/2 से इंटू और डिवाइड कर दिए, दैट्स माई आ गया के अंदर में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। हमको पता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, दैट्स माई बैठा दिया 1 प्लस कॉस एक्स, उसको डेरिवेटिव किए 1/2 प्लस 1/2 का एक्स का, उसका डेरिवेटिव 1/2 का डेरिवेटिव 0 होता है, 1/2 रह गया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, दैट मीन्स -1/2 साइन एक्स हो जाएगा। ऑप्शन सी। नाउ 9 नंबर क्वेश्चन से, पी ऑफ ए इंटरसेक्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, पता है डी मॉर्गन्स लॉ से होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - p ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दे रखा था 5/13, बैठा दिया 8/13 आ गया। ऑप्शन सी। नाउ वेरियंस, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, वेरियंस 4 है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट वेरियंस 4/2, कोएफिशिएंट वेरियंस का पता है एस डी बाई मीन इन 200 प्लस मीन इक्वल टू एस डी बाई 100, बैठा दिए 5% दे रखा था इन 240। ओके आज तक यहीं तक है, तो आप लोग अब तक जो भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।